तो ये केस ना 14 साल के एक लड़के का है और इसका ट्रीटमेंट मैं आज से नहीं बहुत समय से करता आया हूँ। जब ये लड़का जो है ये लगभग 10 साल का था तब से देख रहा हूँ इसको मैं, तो कभी कोई समस्या कभी कोई समस्या। इसके फादर जो हैं वो भी मेरे पुराने पेशेंट हैं तो उनका भी ट्रीटमेंट काफ़ी समय से मैं करता आया हूँ। तो ये इसको लेके आए, बिल्कुल क्लिनिक बंद करने का समय हो रहा था रात में, तो उनका फ़ोन आया कि सर आप अभी बैठे हुए हैं या जा रहे हैं। तो मैं बोला बस निकल ही रहा था, तो बोलते सर थोड़ा बस 5 मिनट रुक जाइए, मैं इसको लेके आ रहा हूँ बच्चे को, इसको ना काफ़ी तेज़ बुखार है। मैं बोला ठीक है आ जाइए। तो ये आए और ये जो बच्चा है ना इसको मैं काफ़ी समय से देखता हूँ कि, और अभी रिसेंट टाइम्स में जब इसकी एज ये टूवर्ड्स टीन एज जब ये आया है तो तब से क्या है कि इसका जो पहनावा आप देखोगे ना, तो अब इस एज में बच्चे क्या शर्ट पहनेंगे टी शर्ट पहनेंगे जीन्स पहनते यूजुअली, ये हमेशा एक इसका अटायर ये है कि एक ना एक बिल्कुल वाइट कलर का एक कुर्ता और इसके कानों में एक ईयर रिंग है एक साइड में और बिल्कुल वाइट, और हर बार बिल्कुल जैसे नहीं होता है कोई पॉलिटिशियन है या कोई कोई मतलब मेरे मेरे को तो दिमाग में पॉलिटिशियन ही पहले आता है कि जैसे नेता लोग होते हैं ना बिल्कुल एकदम सफ़ेद कुर्ता कुछ पहने हुए हैं है ना इस तरह का ही, और हमेशा ऐसा नहीं कि कभी एक दो बार, मैंने मेजोरिटी ऑफ टाइम्स में इसको ऐसे देखता प्लेन सादा सा एकदम मतलब वाइट चमकता हुआ सा, और थोड़ा इसके हाव भाव जो है ना वो थोड़े से थोड़े फेमिनिन वे में इसके बात करने का तरीका है, रेवरेंस बहुत होता है इसका, जैसे आएगा तो गुड मॉर्निंग डॉक्टर गुड इवनिंग डॉक्टर। तो इसके फादर लेकर आए तो अंदर आते समय भी एकदम ऐसे करके बड़े उससे तन कर थोड़ा सा, और ऐसे चलते हुए आए ये धीरे धीरे एकदम स्लोली, आके गुड इवनिंग सर, हाँ गुड इवनिंग बैठो बैठो, फिर हाँ बताओ बेटा क्या बात है, शाम से थोड़ा बुखार आ रहा है बस ऐसा, और तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला अच्छा, तो फीवर चेक किया मैंने, तो फीवर जो था वो 102.9 मतलब ऑलमोस्ट 103 बुखार है, और उसके चेहरे से लग भी रहा है, आंखों में थोड़ा वॉटरी है, और जैसे हाई फीवर में होता है फेस पे हल्का सा रेडिश हो तो लग रहा है कि है ना कि फीवर तो हाई है इसको, थोड़ा डल सा लग रहा था। लेकिन मैं बोला तो कब हुआ ये? अभी सर 2 घंटे 3 घंटे हो गए, अभी अभी आया शाम को ही हुआ ऐसा। मैं बोला और कुछ दिक्कत है? नहीं, और तो कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। अच्छा इस बच्चे को क्या था, एक और समस्या इसकी थी कि इसको नाइट टेरर्स आते थे, तो उसके लिए उसके फादर कई बार उसको बोले थे कि सर इसका इलाज करना है, ये क्या नींद से एकदम उठ जाता है रात में और चिल्ला के, और कभी मेरे को बुलाएगा कभी अपनी मदर को बुलाएगा। तो मैं बोला ठीक है आप ले आइएगा। तो एक बार उसके फादर उसको लेकर आए थे साथ में अपनी दवा देते समय, तो बोले वो कि सर इसकी भी दवा दे दीजिए, तो बोलता है नहीं, मेरे को क्या है कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बार बहुत कन्विंस करके लाए, तो फिर मैंने बोला हाँ बताओ, ये पुरानी बात है, तो मैंने बोला हाँ बताओ, तो बोलता है कि नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला नहीं नींद से उठते हो ना, तो अब ये तो यही लोग जाने, ये बोलते हैं कि मैं चिल्लाता हूँ नींद में, मुझे तो पता नहीं है, ये लोग जाने। ठीक है ये बोलने का तरीका था, मतलब फादर बैठे हुए हैं पर बोलने का जो अंदाज था वो ऐसा था ठीक है ऐसे ये फालतू की बातें हैं इस तरह से। तो अब यहाँ पर भी अब जब ये फीवर के लिए आया है तो मैं पूछ रहा हूँ इससे और कोई दिक्कत, ये सर ये ना मेरे को जो कीड़ा होता है ना सर उसने काट लिया था, ये वो जो मधुमक्खी जैसा कीड़ा होता है सर वो वास्प की बात कर रहा था वो, तो वो सर उसने काट लिया था ये कल की बात है सर, अभी इसमें स्वेलिंग है सर ये देख लीजिए स्वेलिंग है। इसके लिए कुछ आता हो आपके पास तो देख लेना आप। अच्छा ठीक है देखते हैं, और कोई बात नहीं? बोलता है नहीं, और कोई? मैं बोला कोई ठंड लग रही है आपको, पानी की प्यास कैसी है, जो भी रूटीन क्वेश्चन सब सही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ऐसे सर फीवर से भी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मैं बोला प्रॉब्लम नहीं है आपको तो फिर आए क्यों? वो तो ये बोले कि फादर आ जाओ दवाई ले लो इसलिए सर। तो इसके फादर बोलते हैं अरे सर घर पे क्या है, ऐसे बिल्कुल पड़ा हुआ था सर बिस्तर पे चादर वादर ओढ़ के, तो इसकी मदर ने बोला कि दिखा के ले आओ डॉक्टर पे। तो बोलता है कि नहीं नहीं क्या हुआ है मेरे को, कुछ भी नहीं है सब बढ़िया है, फिर भी सर हमको लगा कि बुखार तेज है इसको इसलिए हम लेकर आए। अच्छा तो इतना ही केस था, ठीक है अभी ऐसे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ तो थोड़ा लंबा लग सकता है बट केस हार्डली ना हार्डली 2 मिनट का केस था। तो सिंपल केस है, यहाँ दो ही चीज़ें हैं, सबसे पहला जो है वो है उसका अफेक्टेशन और दूसरा श्रीकिंग हेल्प फॉर या श्रीकिंग एड फॉर। तो क्यों? क्योंकि ना देखो उसको क्या है कि बुखार आता है कुछ भी होता है उसको नाइट टेरर की शिकायत है पहले से, लेकिन वो ऐसा प्रेजेंट करे कुछ है ही नहीं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है कुछ नहीं है। तो अब आप ये सोचोगे जैसे वो दवाई लेना नहीं चाहता था, पहले भी नहीं लिया उसने, एक बार मैंने उसको दवाई दिया फिर उसके बाद उसने बताया भी नहीं, फिर आया भी नहीं, कभी लेता ही नहीं था दवाई। तो इसमें क्या होता है ना, इसको प्लेटिना दिया था मैंने, प्लेटिना 30 के 2 डोज दिए, मैंने बोला एक भी खा लो और एक रात को खा लेना अगर ज़्यादा दिक्कत लगे तो, नहीं तो ये दूसरी वाली शीशी आप खाते रहो। तो ठीक है, तो नेक्स्ट डे उसके फादर ऑफिस से लौट के आ रहे थे, तो नेक्स्ट डे वो आके उन्होंने बताया कि सर अभी तो बिल्कुल ठीक है। मैंने बोला तो फीवर वगैरह? बोलते हैं सर फीवर तो ना उसका सुबह उठा तो बिल्कुल ठीक था सर, कोई फीवर ही नहीं था। तो मैं बोला अच्छा अच्छा तो इसको क्या, साथ में मैंने एक इचिनेशिया का भी वो दे दिया था कि आप लगाते रहो, वो जो कीड़े ने काटा है उस पर इचिनेशिया अप्लाई करो और उसको थोड़ा वॉश वगैरह कर लेना, उसके बाद उस पर इचिनेशिया अप्लाई कर लेना। मैंने पूछा वो स्टिंग वगैरह जो था? बोलते हैं सर वो भी अभी ठीक है, उसका काफ़ी पहले से बेटर है। अच्छा चलो ठीक है। तो आप देखो सिर्फ 2 डोज से, और पहले डोज से ही अफेक्ट आना शुरू हो गया होगा, बट नेक्स्ट डे बिल्कुल ख़त्म फीवर जो 103 तक जा रहा होगा, एकदम सडन आया है। बट अब इस केस में समझना क्या है ना कि पेशेंट जो है, अब आप यहाँ सोच सकते हो कि रिफ्यूजेज मेडिसिन टू टेक है ना, या डिलीरियम वेल से इज, और इस तरह के बहुत सारे रूपरेख जो हम पढ़ते आए हैं, तो ये वो है। आपको ऐसा लगेगा हाँ दवा लेने से मना कर रहा है, कह रहा है कि मैं तो ठीक हूँ और ऐसा, लेकिन ना ये सुपरफिशियल चीज़ है। यहाँ देखो क्या है, उसको तकलीफ तो होती है, अभी भी उसको जो काटा है कीड़े ने उसमें दिक्कत है, लेकिन मेरे से क्या कह रहा है देख लेना सर कुछ आता हो तो, मतलब उसको वो ये बता रहा है कि दैट आई एम इन वेल्थ, मेरे पास है सब है और कोई दिक्कत नहीं है शरीर में, 1% की दिक्कत नहीं है। जैसे एक थोड़े से ओल्ड एज के थे पेशेंट, वो अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट कराते थे, तो वो मेरे से क्या बोले, देखना डॉक्टर साहब ये मस्से वस्से हो रहे हैं फेस पे, देख लो कुछ आता हो तो ऐसा। अब उनको क्या डायबिटीज ब्लड प्रेशर सब था, तो मैंने बोला कि तो आपको कोई और दिक्कत हो तो बताइए। नहीं 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 आई हैव डायबिटीज एंड ऑल बट आई एम मैनेजिंग ऑल दैट, तो वो एलोपैथी में लेता हूँ उसका, तो आप इसका कुछ आता हो तो देख लो। अब ऐसे कितने ही केसेस आपके पास आए होंगे, तो ये तो आप सब समझते हैं श्रीकिंग एड्स, आप सब लोग जानते हो। तो ये वही होता है कि बोलने का अंदाज, इसके ऊपर बहुत बात किया हमने पहले भी बहुत बात किया है, कि बोलने का अंदाज ऐसा है जो कानों को लग रहा है चुभ रहा है और एड मांग रहा है, हल्का सा थोड़ा सा सपोर्ट दे दो, जैसे फर्स्ट एड होता है ना कि अभी पट्टी वट्टी कर दो बाकी हम देख लेंगे बाद में, क्या प्लास्टर कराना है क्या कराना है वो हम देखेंगे बाद में, एड मांगता है आपसे। ये रूबरी को चेंज कर दिया श्रीकिंग हेल्प में, क्योंकि ऑब्वियसली कि वो सही नहीं है। इसमें एक और रूबरिक होता है प्लेटिना का कि डेल्यूजन हेल्प कॉलिंग फॉर। होता क्या है प्लेटिना के साथ ना कि ये ईगोटिज्म बहुत है, अफेक्टेशन है ना, एक ऐसा बिहेवियर प्रिटेंड करना है उसको दिखाना है मेरे को कोई फर्क नहीं, क्यों कर पाता है वो ये, और बड़े सक्सेसफुली वो ये, क्योंकि उसके पास वेल्थ का डेल्यूजन है, उसको ऐसा लगता है कि है मेरे पास सब है, ठीक है। तो ये डीपर जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो समझनी जरूरी है, उसके हाव भाव समझने जरूरी है, क्यों वो बिल्कुल एकदम इस एज में वो ऐसा बड़ों के जैसा ऐसा पहन के आ रहा है, बिल्कुल एकदम हाई कोई प्रोफाइल का व्यक्ति हो
बिकॉज पर्पस इम्पॉर्टेंट है, वो समझता अपने आप को सोचता है मैं बहुत कोई इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हूँ, ये सब तुच्छ लोग हैं, बात करने का तरीका देखो आप, ये लोग कहते हैं सर ऐसा कोई दिक्कत है, मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई प्रॉब्लम है, इनको लगता होगा ऐसा होगा, और ये उसका लगातार रहता है, लगातार मतलब फर्स्ट ऐसा नहीं होगा लाइकोपोडियम के जैसा कि फर्स्ट टाइम आएगा तो बड़ा डरा डरा सा बाद में ईगो दिखना शुरू होगा, ऐसा नहीं, प्लेटिना का तो ऐसे ही रहता है, और आपके साथ में बड़बड़ नहीं करेगा, बहुत थोड़ा सा अच्छे से बात करता है, रेवरेंस वगैरह सब होता है, बट आपको फिर भी फील होगा अब ये 14 साल का बच्चा है और मैं उसके सामने ऑकवर्ड हो गया कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इसके साथ कोई ज़्यादा मजाक वजाक करना नहीं चाहिए, है ना, ये थोड़ा सा ऐसे हाई स्टैंडर्ड का थोड़ा सा ऊपर है, इस तरह का महसूस हो रहा है, और ये आपको होगा अगर आप उतना अटेंटिव है तो। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, ये पास में रहते हैं ये, लेकिन ये जब भी आता है मेरे पास, अकेले भी एक दो बार आया है ऐसे दिखाने के लिए ये, तो ये इनके यहाँ पे सुविधा है, कार वगैरह मतलब अच्छा वेल्दी लोग हैं, तो ये बड़ा जो SUV होती है, बड़ी गाड़ी, उसमें ड्राइवर के साथ आता है पीछे बैठ के, ड्राइवर जो है दरवाज़ा खोलता है, फिर वो इसमें उसमें गाड़ी में से उतर के आ रहा है। अब देखो एक 14 साल का बच्चा है, तो ये उसकी होती है ना, वो ऊपर ही रहेगा हमेशा, ऊपर ही महसूस करता है अपने आप को, इसीलिए ऊपर से नीचे देखता है ये सब। अब इसमें ना लाइकोपोडियम के ऊपर कंपैरिजन हमने किया हुआ है ऑलरेडी, बहुत किया हुआ है, ठीक है, तो एक वीडियो है वो देख लीजिएगा, वहाँ पे हमने समझाया हुआ है डिफरेंशियल डायग्नोसिस किया है हमने। ये जो पर्सन होता है ना प्लेटिना का, इसको महसूस नहीं होता कि मेरे को इतनी ज़रूरत है कोई मदद की और ये वो, तो इसलिए उसका मांगने का तरीका ऐसा श्रीकिंग वाला होता है। लेकिन फिर क्या होता है ना, बढ़ते बढ़ते एक स्टेज ऐसी आती है कि वो डेल्यूजन हेल्प कॉलिंग फॉर में पहुंच जाता है। देखो रूब्रिक क्या है, डेल्यूजन हेल्प कॉलिंग फॉर, वहां ऐसा नहीं है डेल्यूजन हेल्प ही इज कॉलिंग फॉर या शी इज कॉलिंग, ऐसा कोई पर्सन की बात नहीं हो रही है, हेल्प कॉलिंग फॉर, तो कौन हेल्प के लिए कॉल कर रहा है, ये भ्रम होता है, डेल्यूजन होता है ना, कौन, तो ये आवाज अंदर से आती है उसके, एक अंदरूनी फीलिंग है कि अब मदद ले लेनी चाहिए, अब एड से हेल्प की तरफ आ जाना चाहिए, अब लेना पड़ेगा, लेकिन मांगने का तरीका अभी भी वही श्रीकिंग वाला ही रहता है उसका, लेकिन अब उसको लगता है अंदर से ये एहसास है ना, ये अंदर से फीलिंग है। सैगल सर ने अपनी बुक में बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया हुआ है कि अंदर से ये महसूस करता है वो कि अब थोड़ी मदद मुझे ले लेनी चाहिए, हेल्प ले लेना चाहिए, नहीं लूँगा तो स्थिति और बिगड़ेगी, ठीक है। तो लेकिन अब आप पूछेंगे इस केस में सर फिर क्या ले, तो दोनों चीज़ें आप ले सकते हो, दोनों मिली जुली चीज़ें होती है ना, कई बार म्यूचुअली चीज़ें एक्सक्लूसिव नहीं होती कि सिर्फ यही रूब्रिक है, ऐसा नहीं, एक केस में आपको कोई एक शेड भी मिल सकता है, पूरे शेड भी मिल सकते हैं, मतलब दो तीन तरह के शेड्स भी मिल सकते हैं, तो ये मिली जुली बात हो सकती है ना। तो रूब्रिक्स के फेर में नहीं फंसना है, बल्कि आप रूब्रिक्स के जरिए मेडिसिन को समझिए, उस व्यक्ति को समझिए, उस पर्सन को समझिए, तो आपका प्रिस्क्रिप्शन सही होगा। यहाँ पे एक और बात कहना चाहूँगा मैं कि यहाँ पे जैसे मैंने इचिनेशिया दिया, क्यों दिया इचिनेशिया, क्योंकि देखो जब भी ऐसी कोई इंसेक्ट बाइट होती है, कुछ भी होता है ऐसे स्टिंग्स वगैरह, तो ये सब ना नेचुरल डिजीजेस नहीं है, ठीक है, तो जब ऐसी कोई डिजीज़ नहीं है तो आर्टिफिशियली वहाँ पर कोई पॉइजन चले गया, कीड़े ने काट लिया, कुछ भी हो गया, तो यहाँ पर आप बहुत सारी हमारी होम्योपैथी में हमारे पास भंडार है इन चीज़ों का कि हम टॉपिकली अप्लाई कर सकते हैं, और ये चीज़ें ना होम्योपैथिक के प्रिंसिपल पर भले काम ना करती हों स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लेकिन ये हमारे होम्योपैथी के हमारे जो हमारे पास जितने शास्त्र हैं ये उन्हीं का पार्ट है, ये कैलेंडुला वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया था डिटेल में, तो यहाँ पर देने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इचनेशिया वहाँ पे उस पॉइजन के इफेक्ट को कम करेगा, वहाँ अच्छे से हीलिंग करेगा, कोई और सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होगा, तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। जैसे और एग्जांपल देता हूँ आपको छोटा सा कि अब क्या था ना, एक हमारे एरिया में बड़ी बिल्डिंग है तो उसके एक वॉचमैन अंकल थोड़े ओल्ड थे, तो वो आए मेरे पास देखते हुए कि काफ़ी पहले की बात है, मतलब
पेंडेमिक के टाइम की बात है वो, तो वो आए बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे ना पैर में छाला हो गया है, आप पट्टी कर देंगे क्या? तो देखा तो क्या था कि उनको पैर में अल्सर हो रहा था। मैं बोला हाँ हाँ मैं कर देता हूँ। तो मैंने वुंड को अच्छे से क्लीन किया, कैलेंडुला वगैरह अप्लाई किया, फिर थोड़ा अपना ऑइंटमेंट लगाया कैलेंडुला पर और पट्टी बांध दी। मैंने उनसे ये पूछा कि आपको क्या लगता है ये छाला क्यों पड़ा है? बोलते हैं सर वो एक्चुअली क्या है कि मेरे को ना अभी किसी ने जूता दिया था। अब क्या है जैसे वॉचमैन होते हैं ना बिल्डिंग वगैरह में, तो कोई कभी उनको कपड़े वगैरह दे देता है, कोई शूज़ दे देता है, तो किसी ने जूता दिया था सर, तो क्या टाइट बहुत है सर। अब मेरे को सर पहनना भी पड़ता है क्योंकि काम ऐसा है कि दिन भर सर जूता या कुछ पहनना ही पड़ेगा, तो वो मैंने सर पहना था सर लगातार, अभी भी कभी कभी पहनना पड़ता है। अब क्या करूँ सर, और कोई शू नहीं है मेरे पास, तो वो सर पहनता हूँ मैं, तो वो सर टाइट है शायद उस वजह से हुआ है। मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है। तो मैंने उनको क्या किया, वो पट्टी वगैरह बांधी, वो ठीक है। फिर उनको पियोनिया दिया था मैंने, पियोनिया 30 BD में खाने के लिए, मतलब सुबह शाम खाने के लिए। तो ऐसे 3 तक पियोनिया दिया और साथ में उनको कैलेंडुला से मैंने बोला बीच बीच में हम ड्रेसिंग करवा लेना, या अगर आपको खुद करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा किया तो 3-4 दिन में काफ़ी हील हो गया वो, फिर धीरे धीरे करके वो ख़त्म ही हो गया वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये क्रिएट हुआ है, ये आर्टिफिशियली क्रिएट हुआ है जो हार्ड बूट्स वो पहन रहे हैं। तो पियोनिया में ये चीज़ होती है, लोअर बॉडी में किसी भी तरह का अल्सर हो सकता है, ठीक है ना, रेक्टल अल्सर हो गया, डायबिटिक अल्सर फुट हो गया। तो अब ऐसे केसेस में तो हम सोचते ही हैं, लेकिन जैसे कोई हार्ड चीज़ से प्रेशर पड़ रहा है ना, या जैसे कोई हार्ड शू है, शू वगैरह पहनने से पड़ गया अल्सर, तो ऐसे केस में भी आप पियोनिया सोच सकते हो। तो देखो हम माइंड से कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है, और हमारा सक्सेस रेट अच्छा है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन इसके साथ में हमको ये सारी नॉलेज भी होनी चाहिए और भी चीज़ों की। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं मैं ये तो करता ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बार पेशेंट एक्चुअल डिजीज़ तो लाता है, बट उसके साथ में कई बार ऐसे छोटे मोटे एलिमेंट्स होते हैं, कई बार ऐसे पॉइजनिंग हो सकती है, या कोई आर्टिफिशियली प्रोड्यूस चीज़ हो सकती है, कोई एलोपैथी कोई खाकर उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ही लेकर आ जाए, कोई ऐसी क्रीम लगा ली, कॉस्मेटिक अप्लाई कर लिया। मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा केस बताया था कि कोई कॉस्मेटिक क्रीम लगाया उन्होंने, और उसके बाद मतलब उनकी पेशेंट थी, उसके बाद एकदम सीवियर रिएक्शन, मतलब एकदम अर्टिकेरिया और एकदम चेहरे पे एकदम लाल सूजन ऐसा आ गया। तो वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी, उनको बोविस्टा प्रिस्क्राइब किया और वो ठीक हो गई नेक्स्ट डे, ख़त्म वो पूरा। तो ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए, यहाँ पर भी आप रेपर्टरी का भरपूर इस्तेमाल करिए। तो आई एम श्योर कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, यहाँ पे प्लेटिना के साथ साथ इन चीज़ों की भी हमने बात करी, ये आपको अच्छा लगा हो सुन के, और आप अप्लाई करें अपने प्रैक्टिस में। आपके कोई भी सुझाव हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।